नमस्कार, मैं शीना अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। सीसीएस यूनिवर्सिटी में राज्यपाल और डिप्टी सीएम ने किया सोलर ग्रिड का लोकार्पण। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में राज्यपाल राम नाईक और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने 1450 किलोवाट के सोलर ग्रिड का लोकार्पण किया। इस तरह यह विश्वविद्यालय प्रदेश में सोलर एनर्जी से रोशन होने वाला पहला विश्वविद्यालय बन गया है। इस्तेमाल से बची बिजली विश्वविद्यालय कंपनी को बेच भी सकेगा। विश्वविद्यालय परिसर में स्वामी विवेकानंद और शहीद धन सिंह कोतवाल की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। यूरोपीय देशों की तुलना में 5 गुना ज्यादा ब्लैक कार्बन ले रहे दिल्ली वाले। दिल्ली के लोग यूरोपीय और अमेरिकी देशों की तुलना में 5 गुना ज्यादा ब्लैक कार्बन ले रहे हैं। इसके लिए कार से सफर करने की बढ़ती आदत जिम्मेदार है। एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि एशियाई देशों में पैदल चलने वाले यूरोप व अमेरिकी देशों की तुलना में 1.6 गुना अधिक फाइन पार्टिकल की चपेट में है, जबकि एशिया के कार चालक यूरोपियन और अमेरिकन कार चालकों के मुकाबले 9 गुना अधिक प्रदूषण का सामना करते हैं। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने नीतीश कुमार से की मुलाकात। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय मौजूद रहे। नीतीश और शाह की मुलाकात आज डिनर पर फिर होनी है। इस दौरान दोनों दलों के बीच बिहार की सीट बंटवारे पर चर्चा होने की संभावना है। संपर्क फॉर समर्थन के तहत शाह पूरे देश का दौरा कर रहे हैं। 72 किलोमीटर के सफर में 35 बार रुकती है ट्रेन, हर बार स्टाफ उतरकर बंद करता है फाटक। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 दिन करैकुडी और पत्तुकोटई के बीच चलने वाली ट्रेन अपने 72 किलोमीटर के सफर में 35 जगहों पर रुकती है। हालांकि इस ट्रेन के स्टॉपेज केवल 7 हैं, लेकिन ट्रेन में सवार कर्मचारियों को क्रॉसिंग पर उतरकर फाटक खोलना और बंद करना पड़ता है। इस यात्रा में ट्रेन को करीब 3.5 घंटे का समय लगता है। हालांकि यह सिस्टम प्रायोगिक तौर पर 3 महीने के लिए किया गया है। अनुष्का, कैटरीना और माधुरी को बाइक सिखाने वाली चेतना पंडित ने आत्महत्या की। बॉलीवुड में अनुष्का शर्मा, कटरीना कैफ और माधुरी दीक्षित सहित कई एक्ट्रेसेस को मोटरसाइकिल चलाना सिखा चुकी बाइक रेसर कोच चेतना पंडित ने खुदकुशी कर ली। वह मुंबई स्थित गोरेगांव के डिंडोसा में अपने कमरे में फांसी से लटक गई। चेतना के कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने अपनी मौत का जिम्मेदार बॉयफ्रेंड को बताया है। चेतना कर्नाटक के शिमोगा की रहने वाली थी। ब्रिटिश सांसद को वीजा निरस्त कर एयरपोर्ट से ही वापस लौटाया। ब्रिटिश सांसद व ब्रिटेन के शीर्ष वकीलों में से एक लॉर्ड अलेक्जेंडर कार्लिली को भारत ने एयरपोर्ट से ही वापस लौटा दिया है। लॉर्ड अलेक्जेंडर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के कानूनी सलाहकार हैं। वह दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खालिदा जिया पर लगाए गए आरोपों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को बताने वाले थे। खालिदा जिया इस समय ढाका की जेल में बंद हैं और उनको गबन के मामले में 5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तानी राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र से कश्मीर का मुद्दा लगभग बाहर। पाकिस्तान में 25 जुलाई को हो रहे आम चुनाव में इस बार बड़े राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र से कश्मीर का मुद्दा लगभग गायब है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में कश्मीर का जिक्र नाम मात्र ही हुआ है। सेना द्वारा परोक्ष रूप से समर्थित पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के घोषणा पत्र में 4 प्रमुख विदेशी मुद्दों में कश्मीर 3रे नंबर पर है। भारत में लॉन्च हुई 3.83 करोड़ की कार, स्पीड 340 किलोमीटर प्रति घंटा। वोक्सवैगन ग्रुप के स्वामित्व वाले स्पोर्ट्स कार ब्रांड पोर्श ने भारतीय बाजार में अपनी सबसे महंगी कार 911 G2 RS को लॉन्च किया है। इसकी एक्स शोरूम कीमत मुंबई में 3.83 करोड़ रुपए है। कार की टॉप स्पीड 340 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 2.8 सेकंड्स में ही 0 से 100 किलोमीटर पर आर की रफ्तार पकड़ लेती है। इसमें पोर्शे स्टेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम और कार्बन सिरेमिक ब्रेक्स हैं, रूफ मैग्नीशियम का और कार के चारों तरफ कार्बन फाइबर लगाया गया है। फुटबॉलर रोनाल्डो के लिए 900 करोड़ रुपए की डील। स्पेन के क्लब रियल मैड्रिड के साथ 9 साल रहने के बाद पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब इटली के यूवेंट्स फुटबॉल क्लब से जुड़ेंगे। इसी के साथ वह फुटबॉल इतिहास के 4 सबसे महंगे खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं। रोनाल्डो के लिए दोनों क्लबों के बीच करीब 900 करोड़ रुपए की डील हुई है। इससे पहले नेमार के लिए करीब 1822 करोड़, काइलिन माम्बे के लिए 1512 करोड़ और फिलिप कुटिनो के लिए करीब 1293 करोड़ रुपए की डील हो चुकी है। 23 साल बाद एक साल में रिलीज हो सकती हैं रजनीकांत की 2 फिल्में। सुपरस्टार रजनीकांत और अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 2.0 की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने ट्वीट कर बताया कि 23 साल बाद फिर एक बार रजनीकांत की 2 लाइव एक्शन फिल्में एक ही साल में रिलीज की जाएंगी। रजनीकांत की फिल्म काला इस साल 7 जून को रिलीज की गई थी, जबकि उनकी फिल्म 2.0 को इसी साल 29 नवंबर को रिलीज किया जा रहा है। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहें और सब्सक्राइब करें न्यूज लाइव।